नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको अपॉक्सी भरने के बाद में कितने समय तक इसको सुखाना है ताकि आपकी जो अपॉक्सी के ऊपर रेत रंजी या जो भी कचरा पड़ता है उसकी वजह से आपकी जो अपॉक्सी की फिनिशिंग है वो ख़त्म ना हो। अपॉक्सी भरते समय ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से आपको अपॉक्सी जो भरी हुई है टाइल्स में दो निकाल के दोबारा भरना पड़े, दोबारा खर्चा करना पड़े। क्योंकि दोस्तों, एक जो हमारे 100 फुट का एरिया होता है उसमें 1 किलो अपॉक्सी लगती है, यानी कि 800 या 900 रुपये की जो अपॉक्सी आती है वो आपको दोबारा निकाल के भरनी पड़े। क्योंकि दोस्तों, एक बार जो चीज़ लगा दी जाती है उसके बाद में निकाल के दोबारा लगाना मुश्किल होता है और न ही उतनी फिनिशिंग के साथ लगाई जाती है। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो में पूरा बने रहे तभी आपको समझाएगा कि अपॉक्सी कैसे भरना है, इसको सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा ये लिक्विड रबड़ वाला जो पैकेट है 5 किलो का है, और जो इसके साथ में 2 लिक्विड आया है और 1 हमारी पाउडर है, और गोल्डन जो चमकी होती है आपको मिलानी है तो मिला सकते हो, या सिल्वर मिला सकते हो, या ब्लैक सीधा भी भर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक प्लास्टिक का या आप किसी भी प्रकार का बर्तन ले सकते हो, वो बर्तन आपको दोबारा काम नहीं लिया जाएगा। तो उसको आपको लेके लिक्विड जो आता है आपको हार्ड होता है वो कम मिलाना है, लेकिन जो बड़ा पैकेट आता है उसको ज़्यादा डालना है। उसके बाद में अच्छी तरह से मिला लेना है, उसके बाद में ये गोल्डन चमकी है उसको डालना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो पाउडर आता है उस पाउडर को बराबर डालते रहिए इस बर्तन में और बराबर इस पाती से मिलाते रहिए। क्योंकि दोस्तों, ये 4 इंची की जो पाती आती है इसको भरने के लिए ये साथ में हो सकती है, लेकिन आपको नहीं आए तो आपको दुकान से अलग से लेनी पड़ेगी। इसको लेने के बाद में आपको अच्छी तरह से इसमें जो बर्तन में मिला लेना है, ज़्यादा इसको गीला नहीं भरना है और न ही इसको आपको टाइट भरना है। पूरा जो इसको जो हमारी ग्रुप होते हैं उसमें अच्छी तरह से सेट हो सके, इसके हिसाब से आपको अच्छी तरह से मिला लेना है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपकी जो केमिकल है बराबर नए होने की वजह से ये हमारा जो केमिकल है जो अपॉक्सी है वो सेट नहीं हो पाएगी, तो इसके लिए आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर आपको अपॉक्सी भर ली है उसके बाद में साफ कितने समय बाद में करना है, और तो दोस्तों अगर आपने लेट कर दिया यानी कि भर दिया अपॉक्सी उसके बाद में आप लेट साफ कर रहे हो तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, ये अपॉक्सी 20 या 25 मिनट के बाद में सूखने के बाद में ये धीरे धीरे टाइल्स की पकड़ हो जाती है, लेकिन टाइल्स साफ नहीं हो जाती, आपको टाइल ही तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी इसको उतारने के लिए। तो इसका बहुत ज़्यादा विशेष कर ध्यान रखना है। अगर आपने भर दी है अपॉक्सी ग्रुप में उसके बाद में 15 मिनट से लेकर आप 35 या 40 मिनट के अंदर अंदर इसको साफ करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, इसके बाद में ये अपॉक्सी है टाइल्स के ऊपर सेट हो जाती है और आपकी टाइल्स है पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। और अपॉक्सी भरने के बाद में आपको क्या करना है, 3 या 4 घंटे तक इसको सुखाना है। इसके ऊपर न तो रेत रंजी लगाना है और न ही जो कचरा धूल मिट्टी है इसको आपको आने देना है, क्योंकि दोस्तों जो टाइल्स की फिनिशिंग है वो ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना, और आपने हमारे कंट्रेक्शन चौधरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों, घर से जुड़ी जो फ्लोरिंग होती है, जिस प्रकार की किचन हो गए, जिस ग्रेनाइट की सीढ़ी हो गई, किसी भी प्रकार की जो फ्लोरिंग का काम होता है उसके बारे में हम वीडियो प्रतिदिन बनाए रखते हैं, तो आपको जिस प्रकार की जो आपकी ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से आप तक वीडियो पहुँच जाएगा, और जो हम आपकी जो हेल्प होती है वो हम करेंगे। तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है।